जी मेरे साथ ये खतरों के खिलाड़ी दो भाई यूसुफ और यूनुस मौजूद हैं और इन्होंने 70 सिटी को जहाज बनाकर दिखाया है कि ये उन इलाकों में ले गए जहाँ पे एक आम बंदा गाड़ी लेकर जाते हुए भी डरता है और अच्छी गाड़ी लेके भी जाते हुए डरता है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या जिस भी तरह का कोई इलाका हो, इन्होंने जबरदस्त 70 सीडी चलाई है और अपनी 70 सीडी 2009 मॉडल को मेंटेन भी रखा है। जीटी रोड पे एक बस जा रही थी, फर्स्ट एंड जो मुलाकात हुई थी वो टूल प्लाजा पे हुए थे गुजरांवाला, बाद वो मिलता मिलता हमें पिंडी में मिल गया, तो मैंने उसे कहा भाई इकट्ठे शुरू हुए थे, मुझे क्या तो मुझे पता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास और मेरे साथ इस वक्त 70 सीडी मोटरसाइकिल मौजूद है और ये कोई आम मोटरसाइकिल नहीं है, ये वो मोटरसाइकिल है जिसने बड़े बड़े सफर तय किए, बड़े बड़े पहाड़ों पर पहुंची है, खुद से नहीं पहुंची, इसको लेकर गए हैं और लेकर कौन गए हैं, मेरे साथ ये दो भाई मौजूद हैं और ये इस बाइक पर मीलों का सफर तय कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप दोनों का क्या नाम है और ये शौक कब पैदा हुआ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और ये हमारा शौक बचपन से ही है तो अभी तक चल रहा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 35 हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला जो सफ़र था वो कौन सा किया था बाइक, और किस उम्र में किया? बाइक का सबसे पहला जो सफ़र था वो नरान का किया था, नरान से फिर आगे झील से आप हम लोग गए, फिर आगे ट्रैकिंग थी आंसू झील गए। कितना टाइम लगा था नारान तक, यहाँ से लाहौर से नारान तक? दो दिन लगे थे। दो दिन में? हाँ जी सर। नारान जाते हुए तो बड़े बड़े दिल कांप जाते हैं, गाड़ी पे जाते हुए लोग कांप जाते हैं, जीप पे भी बड़ी मुश्किल जाते हैं, आप 70 सीडी ले गए। बस ये एक शौक था, जो जुनून था वो जुनून आज तक जारी है। अच्छा मैं नारान गई हूँ ना, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी देखी है कि गाड़ी के चार पहिए होते हैं और गाड़ी ऐसे ऐसे करती है, मतलब मैंने तौबा कर ली कि मैंने इस तरफ दोबारा नहीं आना। तो ऐसा मतलब किस तरह से इसको आप अपने कंट्रोल में रखते हैं या किस तरह से इसको चलाते हैं कि 70 सीडी है, ये इतनी कोई हैवी बाइक भी नहीं है कि जो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके, और वो रास्ते भी इतने ख़राब हैं, अच्छे रास्ते नहीं हैं, तो वहाँ पे तंगी तो बड़ी होती होगी। जी जी तंगी बहुत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, कभी कोई मसला नहीं हुआ, एक दफ़ा ही हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी कोई मसला नहीं हुआ। अब तो बड़े बड़े टूर कर चुके हैं, काफ़ी लंबे लंबे टूर किए हैं, जैसे अभी तीरा का करके आए हैं, उसके अलावा कोहिस्तान, कुमराट वैली, चतराल, गिलगित बल्तिस्तान, हुंडजा, ये उसके अलावा खुंजराब बॉर्डर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान, फोर्ट मंदरू, उसके अलावा ये बावलपुर, काफ़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर। इस पे सारे टूर पे कितना टाइम लगा है? जो अभी हमने लास्ट टूर किया है इस पे हमारा वन वीक लगा है। वन वीक, लेकिन इतना सारा जो आपने ट्रैवल किया है इस बाइक पे, तो इसमें ख़ास बात क्या है कि फ्यूल कम लगता है, या जब ये पहाड़ी या मैदानी इलाकों में जाता है तो आपकी ये 70 सीडी फ्यूल ज़्यादा पीती है या मुनासिब इसी तरीके का पीती है जैसे आम रूटीन में लाहौर में या किसी भी नॉर्मल सिटी में? नहीं, फ्यूल की काफ़ी इसमें बचत होती है हमारे, ये 60 कर जाती है आराम से, काम भी काफ़ी करवाया हुआ है और यहाँ से करवा कर भी जाते हैं, टायर भी चेंज करवा के जाते हैं, नए टायर डलवा के जाते हैं, रस्ते में कोई मसला ना हो, लेकिन हमारे पास सारा सामान मौजूद होता है। नाज़रीन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, के बड़े भाई को तो शौक है ही 70 सीडी पे सैर सपाटे करने का और वो भी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ये छोटे भाई भी यूनुस इनका नाम है और ये भी बड़ा शौक रखते हैं, तो आपको ये शुरू से शौक था कि भाई को देख के शौक पैदा? नहीं, ये भाई को देख के ही शौक पैदा हुआ था, और जब भाई ने स्टार्ट किया उसके बाद ही ये शौक जो है कंटिन्यू किया, और स्टार्ट जो मैंने किया था 2013 में, फर्स्ट टाइम हमने कश्मीर किया था, शायद ही कश्मीर में कोई ऐसी जगह हो में भी जो हमने ना की हो, हमने ऑलमोस्ट कश्मीर का लिया था 2014 में, हमने लोहे से चित्राल, कोहिस्तान, कुमराट वैली, कैलाश वैली, ये सारा एरिया हमने। बड़ा मुश्किल होता है किसी नई जगह पर आप जाते हो ना, तो इसकी आपकी 70 सीडी इसकी कॉपी दिखाएँ, कागज़ दिखाएँ, नंबर कहाँ का लगा हुआ, और वैसे भी अदर सिटी में अगर आप जाते हो तो आपकी गाड़ी का भी नंबर दूसरी सिटी का हो तो रोक लेते हैं, ट्रैफिक वाले पूछ लेते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी?
अभी जब हमने लॉन्ग रूट टूर स्टार्ट किए थे आफ्टर दैट, हमारा जो मेन मकसद होता था वो उन एरियाज़ को प्रमोट करना, उन एरियाज़ में जाना जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, लाइक अभी हम जहाँ से अभी कोहिस्तान से होके आए हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट ना होने के मुकाबले में अभी अब लास्ट आप ईद पे देखें लाखों की तादाद में नदान मरी, ठीक है आप जाएँ वो आप व्हाटएवर आपकी अपनी चॉइस है वो आप जाएँ ज़रूर जाएँ, लेकिन इन एरियाज़ में भी जाने का हक है। यहाँ पर हम तीन लोग थे, आपको मैंने उसकी वीडियो दिखाई वो उस एरिया की, यहाँ पर वाटरफॉल है, एक मेडोज है, ऊपर टू लेक्स हैं, बहुत खूबसूरत है वो जो एरिया है ना, उस एरिया में लोग वेलकम करते हैं, सिर्फ लोग नहीं वेलकम करते, उस एरिया की पुलिस वेलकम करती है, उस एरिया के जो फौज है वो हमें वेलकम करती है। लाइफ में ना थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने सफ़र को ज़्यादा थकावट वाला ना बनाएं, जो है रुक 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 के जाते हैं, आस्ता आस्ता सुकून से जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो अगर हिम्मत है और पैसे कम है आपके पास, तो आप अपनी बाइक को हैवी बाइक बना के 70 सीडी को भी जहाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेके जा सकते हैं सफर कर। मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ, जीटी रोड पे एक बस जा रही थी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, हमें फर्स्ट जो मुलाकात हुई थी वो टूल प्लाजा पे हुए थे गुजरांवाला, उसके बाद गुजरांवाला में हुई, तो बहरहाल वो मिलता मिलता हमें पिंडी में मिल गया, तो मैंने उसे कहा भाई इकट्ठे शुरू हुए थे, मुझे कहता मुझे पता है। कितने अरसे से ये बाइक? ये 2009 से। इतना पुराना मॉडल? हाँ जी इतना पुराना मॉडल। और इतना ये चल जाता और खचकता नहीं है? नहीं हम कितना समझते हैं ना, कहते थे ना मैं तो होंडा ही लैसा, ये इस वजह से है, वो उस टाइम का डायलॉग सही है ना, हमने साथ साथ काम करवाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप नई से भी अच्छी है ये। आपने रिसेंटली अभी कोहिस्तान का विजिट किया, तो कैसा लगा वो इलाका? सबसे पहले जैसे ही हम पैलेस में एंट्री हुई है हमारी, तो पटन से हम नीचे उतरे हैं, ये KKH में है, तो पटन से हम नीचे उतर के हम पुलिस वालों ने रोका है हमें, तो वहाँ पे हमारे एंट्री हुई है, फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ थाने में जाके एंट्री करवाएंगे क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमें उन्होंने हमें चाय वगैरह दी है, तो फिर उसके अलावा उन्होंने खाना खा रहे थे, कहते खाना खा के जाना है, देखे ना एक थाने के अंदर लोग कैसे मेहमान नवाज है। कोहिस्तान की मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, कोहिस्तान इज़ डिवाइडेड बाय टू, ये ना दो हिस्सों में डिवाइड है, जो एक आपने नाम सुना होगा कुमराट वैली इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ ये कोहिस्तान एक सेपरेट है, ये जो इलाका है ये KKH के साथ पटन एक इलाका था उसे साथ होता है, इंडस रिवर के साथ चलता जाता है, और बाकी वहाँ पे जो हाइकिंग है माउंटेन है उसका नाम है मोरो MOROR मोरो मेडोस, और जिस एरिया को बहुत कम लोगों ने किया, अभी किया है रिसेंटली लेकिन काफ़ी कम लोगों ने किया। अगर किसी ने टूर करना है तो वो आपसे गाइडलाइन लेते हैं? या श्योर वाई नॉट, मोरो की हमने जो हाइकिंग की है वो 8 से 9 घंटों की है, जिसके हमारे 22,300 समथिंग स्टेप्स बन गए थे, काउंट हो गए थे। मोरो के ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि ऊपर मेडोज है और इसकी खूबसूरती अनबिलीवेबल है, बहुत प्यारा खूबसूरत है, और मोरो में जहाँ पे नीचे खरियाल वाली साइड पे एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, ऊपर दो लेक्स हैं, आपने कभी अताबाद लेक देखी होगी, सेम वैसी ही दो लेक्स, छोटी छोटी लेक्स हैं लेकिन स्काई कलर की, इतनी प्यारी वो खूबसूरत लेक्स हैं, वो एक दो लेक्स हैं, ऊपर ग्लेशियर है, आप ग्लेशियर देख सकते हैं, ऊपर साइडों पर आपके चार ज़्यादा मेडोज हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वहाँ पर सुकून है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में या जिस भी तरह का कोई इलाका हो, इन्होंने ज़बरदस्त 70 सीढ़ी चलाई है, और अपनी 70 सीढ़ी 2009 मॉडल को मेंटेन भी रखा है। तो अगर आप कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, सैर सपाटा करना चाहते हैं, और आपकी जेब में थोड़े पैसे भी हैं, तो इनको देख के हिम्मत जज्बा और जुनून होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आपको मिल ही जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह के बाद।